नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटबी में। आज हम देख रहे हैं यामाहा की FZA और इसका एक क्विक वॉकराउंड बताऊंगा आपको। देखने में आप सबसे पहले ये टैंक को देखिए, आप ज़रूर देख सकते हैं बहुत ब्राइट कलर्स दिए गए हैं। थोड़ा एक्सपोजर सेट कर लूँ और हाँ, अच्छा दिखता है टैंक। ऑफसेट फ्यूल टैंक दिया गया है, प्लास्टिक का पैनल है टैंक के ऊपर और रिप सीट का डिज़ाइन है मिलता है आपको। टेल लाइट LED है, ग्रैब रेल मेटल की है और एक्चुअली ये रिप सीट की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा देखें तो पैनल्स नीचे में भी आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है, जो क्वार्टर पैनल बोलते हैं। और टैंक पे हम वापस आएंगे तो FZX का लोगो 3D में मिलता है आपको। हेडलाइट यूनिट देखें तो आपको LED DRL मिलती है और जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं सेंटर में वो LED प्रोजेक्टर है, जो सेम है MT15 और हाँ FZ2i जैसा। टायर्स देखें तो पैरन टाइप टायर्स है यहाँ पे और डिस्क ब्रेक सेम 282mm की है, जो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। ऑफसेट फ्यूल टैंक का लीड तो हमने देख लिया था, चलिए मीटर को देखते हैं, जो कंप्लीट नया डिजिटल यूनिट है। मीटर को हम टर्न ऑन करते हैं तो कंप्लीट स्वाइप अप करता है। बेसिक डिटेल्स देखें तो आपको राइट साइड में ऐप का लोगो मिल रहा है, टैकोमीटर मिलता है और बटन दबाने पर आपको ओडोमीटर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, जो बेसिकली एक रिजर्व फ्यूल का है, और साथ ही साथ वापस टाइम पे आ जाता है। जो सेंटर में एरिया खाली है शायद वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है आपको वो सेम 149cc का मोटर जो प्रोड्यूस करता है 12.2 BHP पावर और 13.3 Nm का टॉर्क। अब ये सेम इंजन है जो आपको FZ में मिलता है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, ना ट्यून में चेंज किए गए और ये वही एयर कूल मोटर है। अच्छा देखने के लिए आपको आगे फोक गीटर्स मिलते हैं और साथ ही सस्पेंशन कंडीशनिंग रॉड भी मिलता है और देखें तो एग्जॉस्ट भी अलग डिज़ाइन का है, जो थोड़ा अलग लगता है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।